सबा हमीद जो किसी भी तारुफ की मोहताजी हैं, रिसेंटली नो जहाँ ड्रामा सीरियल में आने वाली सबा हमीद के हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। अपनी बेटी और अपनी बहन से मिलवा दिया, बेटी को देखकर सब लोग हैरान। पहली बार सबा हमीद शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात कैसे बरपा हुई, सबा हमीद की तवील अरसे बाद ज़्यादा ज़िंदगी पर मुतल्लिक गुफ्तगू, आज की इस वीडियो में इसके हवाले से ये अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सीनियर अदाकारा सबा हमीद ने तवील अरसा बाद शादी से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि शादी मुश्किल होती है, कम अज़ कम मेरे लिए मुश्किल हो गई। मेरे वालिद बहुत आज़ाद ख्याल थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत देर बाद मालूम हुआ कि किस बात के लिए अपने शरीक हया से पूछना भी होता है, किसी बात के लिए अपने शरीक हया से पूछना भी होता है। अदाकारा सबा हमीद ने हाल ही में सहाफ़ी मलीर रहमान को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने शादी के मुतालिक अपनी राय, बच्चों और कैरियर से मुतालिक गुफ्तगू की। इंटरव्यू के शुरू में सबा हमीद ने काम के साथ बच्चों की अकेले परवरिश करने के बारे में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं खुश किस्मत थी कि मेरे वालिद में अपने वालदैन के साथ रही, इसीलिए आज मैं काम पर जाती थी तो बच्चों को संभालने के लिए बहनें और वालदैन हमेशा मौजूद रहते थे और मेरे वालदैन बहुत ज़्यादा मेरा साथ भी देते थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि अपने काम में बहुत मसरूफ़ होती हूँ, इसीलिए बच्चे नाराज़ रहते थे, जिस पर इन्हें मजाक में कहती थी कि मैं माँ नहीं बाप हूँ, बाप तो ऐसे ही होते हैं। बच्चों की परवरिश से लेकर घर के सारे काम अकेले करने के सवाल पर सबा हमीद ने कहा कि ये मेरे वालिद हमीद अख्तर की परवरिश है जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। मेरे वालिद बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे, इनके ज़माने में ये असलाह शायद ठीक है या नहीं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक बराबरी के हकूक पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। उन्होंने बताया कि हम चार बहनें और एक भाई हैं, जब वालदैन ज़िंदा थे तो हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि किसी एक को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है या किसी एक को कम। अब मेरी अपनी ज़ात से अगर बात की जाए तो मेरे वालिद हम तमाम बहन भाइयों के साथ यकसा सलूक रखते थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि मेरी शादी हुई और किस तरह से किन हालात में शादी हुई, फिर मेरे बच्चे हुए, एक बेटी जो कि सिंगिंग के शोबे में है, उनका नाम आप सभी भी जानते हैं, वो हैं मिशा शफ़ी हैं, और आजकल वो अपनी बहन के साथ आउटिंग पर गई हुई थी सबा हमीद, उन्होंने वहाँ से लिखी कुछ वीडियोस भी शेयर की। उनकी ये तल्ख हकीकत, उनकी ये ज़िंदगी का एक मोटिव और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने गुजारी, वक्त गुजार चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। कहना था कि उनके वालदैन ने उनका भरपूर साथ दिया। ख्याल रहे कि सबा हमीद के वाले लेजेंडरी सहाफ़ी और दानिश्वर हमीद अख्तर थे, जिनके कई बर्स कबल इंतकाल हो गया। इसके अलावा सबा हमीद की पहली शादी सईद परवेज शफ़ी से हुई थी और दो बच्चे थे, जिनमें एक गुलकाला मिशी शफ़ी और राज शफ़ी हैं। तहम पहले शोहर से लैदगी के बाद उन्होंने अदाकार वसीम अब्बास से दूसरी शादी की थी, जिनसे इनका एक बेटा अली अब्बास है और वो भी अदाकार है।